हो रहा है हमारे लंच का इंतज़ाम। तो यहाँ मैं बना रही हूँ आज ये लंच नहीं डिनर का, क्योंकि आज दिन में सुबह दाल बनी थी, वो लौकी डालकर चने की दाल और लौकी मिक्स बनती मसाले वाली, तो वो बनी थी। तो हम लोगों ने सोचा कि आज फिर अभी रखी रह गई तो दही भी जमाया था घर पे अम्मी ने, तो हमने सोचा कि आज हम बना लेते हैं आलू और टमाटर की प्याज के साथ जो सब्ज़ी बनती रही है। हमने आलू कट करके रख लिए, ये टमाटर हैं दो और ये दो प्याज हैं, ये हरी मिर्च को इस तरह कट कर लिए, और बस ये सरसों का तेल हमने डाल दिया था, वो गर्म हो गया है, और इसमें हम डाल देंगे ये प्याज। और आलू को आप कट करके जब रखते हैं ना तो उसमें पानी ज़रूर डाल दें अगर आपको बनाने में टाइम है, क्योंकि आलू अगर आप बिना पानी के रखेंगे कट करने के बाद तो वो येलो से रेड से होने लगते हैं, जो कि सब्ज़ी बनने पे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। तो बस और ये देखिए आप प्याज हो गई है गोल्डन ब्राउन, इसमें डाल देंगे नमक, टमाटर और हरी मिर्च डालने के बाद हम डाल रहे हैं इसमें भी नमक अपने टेस्ट के हिसाब से हम डालेंगे, थोड़ा कम लग रहा है तो थोड़ा सा हम और बढ़ा दे रहे हैं, और उसके बाद डाल देंगे इसमें थोड़ी सी हल्दी पाउडर और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स बस, और इन्हें अच्छे से हम ऐसे मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद ये सब्ज़ी आप हल्की सी मतलब थोड़ा पानी इसमें रहेगा, हल्की गीली सी रहेगी, तब आप इसे चावल से भी खा सकते हैं, और ये उबले हुए चावलों के साथ बहुत अच्छा लगता है। चावल को जब आप बनाएं ना तो उबलने के टाइम उसका सारा पानी ड्रेन कर लें और उसे बिल्कुल कम पानी पे दम पर कर लें, या कुकर में चावल बना लें, बहुत ही टेस्टी लगता है चावल के साथ ये सब्ज़ी, और पूरी के साथ तो बस पूछिए ना, पूरी के साथ तो और भी ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन रात में पूरी खाना हेल्दी नहीं है, तो इसलिए हम इसे चावल से ही या रोटी से खाएंगे। अगर आप इसे लंच में बना रहे हैं या सुबह के नाश्ते में भी पूरी से सब्ज़ी खा सकते हैं, पराठे से खा सकते हैं, लेकिन हम अभी चावल या रोटी से खाएंगे। तो देखने में अभी से माशाल्लाह कितनी यम्मी लग रही है। अब इसे हम ढककर थोड़ा सा पानी डाल देंगे आधा कप, और ढककर इसे कुक कर लेंगे। देखिए हमारी सब्ज़ी बनकर रेडी है, कितनी यम्मी लग रही है। और बताएं मैगी मसाला ख़त्म हो गया, तो हम यहाँ पर डाल रहे हैं राजेश का सब्ज़ी मसाला, बिल्कुल थोड़ा सा। ये सब मसाला आप डालेंगे ना तो मैगी मसाले का अलग टेस्ट होता है, और ये राजेश सब्ज़ी मसाला अगर आप डालेंगे तो बहुत ही इससे बिल्कुल जैसे वो बाहर से होटल वाली सब्ज़ी आती है पूरी के साथ, बिल्कुल वैसा खुशबू आती है, वैसा ही टेस्ट। तो इस तरह से एक बार आप लोग सब्ज़ी ज़रूर बनाइएगा, बहुत अच्छी लगती है। बस ये सब्ज़ी हमारी रेडी है, भाड़ भाड़ करने की आदत हो गई मेरी। सब्ज़ी बन जाएगी आपकी, तब आप डाल देंगे इसमें हरी कटी हुई धनिया। तो यहाँ पर डिनर करने के बाद हम लोगों ने आम खाया, आम मैंने कट किया था हुदा के स्टाइल में, ये दशहरी आम है जो कि मेरा बहुत ही फेवरेट है, और हुदा का भी, और मुझे और हुदा को दशहरी और जो सफ़ेदा वाला लखनऊआ आम आता है वो बहुत पसंद है। तो बस ये देखिए मैंने इस तरह से कट कर दिया, और ये हुदा ने मुझे सिखाया था। कभी कभी आप छोटे बच्चों से भी बहुत कुछ सीखते हैं, तो ये मैंने देखा था माजा के ब्रेक में ऐसे ही दिखाते हैं, और हो गया था। नेक्स्ट डे यहाँ पर अम्मी गई थी हुदा के साथ, हुदा ने कहा था नानी मुझे पैरेट सीखे। वाओ बंद करो ना, बंद है। वाओ ये हमारा मिठू अभी डरा हुआ है। नहीं डरे नहीं। बिंगो, क्या हुआ मेरे बिंगो को? हम लोग ने इसका नाम रखा है बिंगो, बिंगो भी डरा हुआ है। बिंगो हुदा को बुला लो, हुदा बिंगो, हुदा कहो, हुदा। बिंगो कुछ नहीं बोल रहा अभी, कुछ तो मौसम सुहाना हुआ है, थोड़ी तसल्ली हो गई है, अल्लाह का शुक्र है। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, बादल आ गए नहीं, अभी बारिश नहीं। अरे वाह बूंद पड़ने लगी हुदा का डांस बारिश देख के, हुदा का डांस। माशाल्लाह फाइनली हमारे यहाँ बारिश हुई, इस बार की पहली बारिश अभी तक
हर तरफ बारिश हो रही थी, लेकिन हम लोग यहाँ बारिश नहीं हो रही थी, इतनी ज़्यादा गर्मी थी। और कल रात में तो बस क्या बताएं, ट्रांसफार्मर जल गया और कल रात से लाइट ही नहीं आई। सुबह आई, कितने बजे आई थी उधर? 11 बजे आई थी 5 मिनट के लिए, फिर चली गई थी, फिर आई हमको लग रहा 2:30 बजे ना, दो बजे फिर आई। तो तब से तो अल्लाह का शुक्र है लाइट रुक गई है और मौसम भी माशाल्लाह बहुत अच्छा हो गया है। आप लोग देख सकते हैं कितनी तेज़ बारिश होने लगी है, बिल्कुल अचानक मौसम बना और इतने दिन के हम लोगों का इंतज़ार ख़त्म। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ने रहमत की बारिश कर दी, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। बहुत अच्छा लगा, मौसम का मज़ा लेते हुए, और मोमोज है, फ्राइज है और चाउमीन, बहुत ही मज़ा आ रहा है, सब कुछ बहुत ही टेस्टी है। अच्छा, हमने तो अभी टेस्ट नहीं किया, कैसे पता कि बहुत टेस्टी है? कैसे हम कैसे कह सकते हैं, हम खा कर बताते हैं। फ्राइज तो बहुत अच्छे हैं। आज हम आए हैं हम लोग हुमानी के घर पे, तो आज हम लोग यहीं पर, मौनी ने कहा यहीं पर खाना खा लूँ, तो बस यहीं पर खाना बन रहा है। हमारी आइसक्रीम ढेर सारे टूटे हुए कप निकले, इसमें टूटता क्या है, बस बहुत ज़्यादा। ये देखिए ऐसे यहाँ पर ये टूट गया छोटा सा, मेरा कप था वो टूट गया, ये मम्मी का था ये भी टूट गया। यहाँ ये देखिए सारे डब्बे साफ़ हो गए हैं, इन डब्बों में हम लोग कुछ एक्स्ट्रा सामान जैसे कुछ बिस्किट हो गए, नमकीन हो गई, नमक पारे हो गए, वो सब इसमें रख देते हैं, यहाँ पर ईज़िली मिल जाता है आसानी से, तो बस इसीलिए। देखिए सब साफ हो गए हैं, हमने यहाँ पर सब लगा दिया है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, साफ साफ बिल्कुल। हमारी विंडो के कर्टन भूल के सूख भी गए हैं, बस अब लगाना है। और ये देखिए हमारे पर्दे लग गए हैं, जो वॉश हो जाते हैं वो कितने अच्छे लगते हैं। और ये भाई की बुक्स हैं, उनको तो छूना भैया, क्या मतलब है छूकर इनको पता चले कुछ ना मिले तो फिर सारा ब्लेम मेरे ऊपर, कहाँ गया मेरी यारी बुक कहाँ गई, मेरी ये नोट्स कहाँ गई। इससे बेहतर है कि हम इसको टच ही ना करें, ये हुदा की गेम्स वाली पर्चियाँ, खुदा गेम्स खेलती रहती है, नई नई पर्चियाँ बनाती है बेबी, उसको भी नहीं हटाएंगे वरना वो भी कहेगी कहाँ चली गई मेरी पर्चियाँ। मैंने वॉल पेंटिंग की थी कॉलेज टाइम पर, तो मुझे मिला था ये, वॉल पेंटिंग में फर्स्ट प्राइज था मेरा, आप देख सकते हैं। हो गई है हमारी क्लीनिंग बाहरी रूम की भी, धूल देखिए कैसे उड़ रही है आप लोग देख सकते हैं डस्ट को, इतना ज़्यादा डस्ट हो जाता है बाहरी रूम में कि बस क्या बताएं आपको। ये देखिए हम लोग के ड्राई फ्रूट्स कट गए हैं, अब बोलो। वाओ कितनी टेस्टी लग रही है, खुदा की मैगी आ गई। कामिल कहाँ है? जो खड़ा रहा जी ने पुगेल। हाँ देखें देखें क्या हुआ, गरम है क्या? ये एवरीडे का चाय वाला पाउडर है ना चाय मिल्क पाउडर है। हाँ, मिल्क चाय वाला। हम लोग बचपन में इसी तरह सेरेलैक्स बहुत खाते थे, लाओ हमको भी दो।
बहुत बड़ा, अरे थोड़ा सा देना और कम, मतलब और ज़्यादा बस नहीं नहीं हम नहीं देंगे, अपना दूसरा लो। नानी अम्मा मिलेंगी, अरे लाओ तो हाथ लाओ, ये मेरी नानी है, नानी आई है, हम लोग उनको भी खिला रहे हैं मिल्क पाउडर। खा लो है अभी लिए तो है, बहुत है, अरे खाओ खाओ मैम फिर। अस्सलाम वालेकुम, अगर आपको मेरी खाला के ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ उसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करके जाया करिए, और अपना बहुत ख्याल रखा करिएगा, और हम लोगों को भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।